मास्टर जी अभी तक नहीं आए, पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू चुप कर वरना। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन है? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। नहीं भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए? स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलता हूँ, पर मुझे तो अभी भी। अब चलो भी उस्ताद, वरना फिर से देर हो जाएगी। अब तो मुझे मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा। पर अगर मास्टर जी भीम के साथ मुझे ढूंढने आए तो कान पकड़ के मुझे वापस स्कूल ले जाएंगे। एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर छुप जाता हूँ। अरे कालिया, आज तुम स्कूल नहीं गए हैं? वो असल में आज स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी। अरे वाह, आज तो सबने अपना होमवर्क किया है, इसलिए सबके लिए आज मैं ढेर सारे लड्डू लाया हूँ। पर ये कालिया कहाँ है? हाँ, सुबह तो हमारे साथ ही आया था। लगता है आपके डर से खिड़की से बाहर भाग गया। यहाँ आओ।
कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। छुपन छुपाई, चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। आहा, चुटकी की चोटी, तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? हाँ? ये कैसे गधे हैं? ये दोनों बहुत छोटे हैं। देखा, अब ये हमसे नहीं डरेंगे, हमारे दोस्त बन गए हैं। हमें इन्हें वापस इनके झुंड तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हाँ, वहाँ देखो, इनके पैरों के निशान गीली मिट्टी पर छपे हुए हैं। जरूर वो इनके साथियों या फिर मम्मी पापा के होंगे। चलो, ये निशान अब हमें बाकी ज़ेब्रास तक का रास्ता दिखा पाएंगे, फिर ये दोनों बेचारे अपने पिछड़े झुंड से मिल जाएंगे।